हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग का घूमना घूमने का जो मैं ब्लॉग बनाई थी, ट्रैवलिंग वीडियो, हो तो आप लोग देखे हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो मेरी मम्मी कुछ दिनों बाद चली जाएगी, तो आज मम्मी ना पीठा, सूजी पीठा बना रही है, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है और मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और खीर, पायेश जो हम लोग बोलते हैं बंगाली में, वो खीर भी बहुत अच्छा बनाती है मेरी मम्मी। तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। खीर तो सबको ही आता है बनाने, फिर भी मेरी मम्मी का स्टाइल मैं आप लोग को दिखाऊंगी। वैसे ही सब लोग भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बना दिखाऊंगी आप लोग को। तो चलिए फिर दिखाती हूँ कि मम्मी कैसे कैसे तैयारी करती है सूजी पीठा बनाने का। वो भी बहुत ही इजी रेसिपी है और झटपट बनने वाला रेसिपी है, और बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार जरूर उसको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि मम्मी कैसे कैसे बनाती है। तीन कप पानी ना, 3 कप पानी में कत चीनी, एक चम्मच 1 चम्मच चीनी। ये बना रहे हैं सूजी पीठा और इधर बन रहा है खीर। जितना कप पानी दिए हैं उतना कप ही सूजी देना है। 3 कप पानी है तो 3 कप सूजी देना है, और ये पानी उबलने लगेगा तभी ये सूजी दे देना है। ये 3 कप पानी था, 3 कप सूजी दे दिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैं बोलना भूल गई, थोड़ा सा नमक भी देना है, एकदम थोड़ा सा। और इधर खीर बैठाए हैं, ये मम्मी बना रही है। और नारियल, सूजी का पीठे, इसमें पूली नारियल का जो पूर रहता है वो भी बनाए हैं, पहले ही बना चुके थे, वो रखा हुआ था। तो हो गया है, अभी गैस को ऑफ कर देना है। ये गैस ऑफ हो चुका, अभी ये बन गया है। इसको जब ठंडा हो जाएगा तब इसका पीठा बनाएंगे। तूने पूरे भरे मैं बोली इसको ठंडा करके, लेकिन ये ठंडा नहीं, मम्मी गरम गरम ही बनाएगी, हल्का गरम। ये गरम गरम ही बना रहे हैं। बस ये हो गया, इसको ऐसे सिंपल तरीका है बनाने का। और बस इसको तेल में फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे तो हो जाएगा। बहुत टेस्टी बनता है खाने में इसको। और एक दिखा देते हैं कैसे बनता है। तो ऐसे करके बनता है ये सूजी पीठा, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी इधर खीर भी अच्छा बनाती है, तो आज खीर बना रही है। अभी दूध में उबाल नहीं आया है तो इसलिए वो साइड में चढ़ाए हैं, अभी तब तक ये बन जाएगा। मैं दिखाना भूल गई, ये पूर जो है नारियल का पूर, ये बना के रखे थे तो अब खाली भी हो गया। ये आधा बना बन चुका है, ये देखिए सब बन चुका है। इसको अभी इसको फ्राई डीप फ्राई करना है। ये कढ़ाई गरम हो गया है और इसमें अभी ये पीठा सब है, इसको छोड़ देंगे। ये
ये देखिए ऐसे लाल करके इसको फ्राई करना है ये तेल में। मेरा ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें मैं सभी चीजें फ्राई करती हूँ। फ्राई बहुत अच्छा होता है लोहे की कढ़ाई में। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मतलब सॉफ्ट भी बनता है। थोड़ा थोड़ा जब खाते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, मीठा मीठा लगता है अंदर। तो इसमें मम्मी ये भी चावल दे दी और अभी फिर काजू और किशमिश और थोड़ा सा इलायची और तेज़पत्ता दे देगी। हम लोग को काजू किशमिश खीर में उतना पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ही देने के लिए बोली तो थोड़ा सा ही दिए हैं, और किशमिश नहीं दिए हैं इसमें, किशमिश नहीं देंगी। और ये पाटाली गुड़ का बना रही है तो पाटाली गुड़ दे देंगी। तो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से बनता है खीर, और वैसे ही बनाई है मम्मी भी तो। और मम्मी का जो खीर बनता है बहुत ही टेस्टी बनती है वो। ये सूजी पीठा खाने में बहुत ही ऊपर से तो क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही नरम लगता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही यम्मी लगता है खाने में, मुझे तो बहुत पसंद है। सुपर। तो ये बन चुका है खीर, तो ये मेरा ब्लॉग भी मैं एंड करने वाली हूँ। आई होप आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।